स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी लाइफ इन यूरोप में। मैं हूं शशांक और मैं रहता हूं स्विट्जरलैंड में, और हमारी चल रही है नेदरलैंड की ट्रैवल सीरीज, और इस वक्त हम हैं एम्स्टर्डम में। अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखिएगा। आज हमारा आखिरी दिन है एम्स्टर्डम में, और हम एक्सप्लोर करने वाले हैं फूड इन एम्स्टर्डम। तो अलग अलग टाइप का फूड आज ट्राई करेंगे यहाँ पे, उसके लिए एक स्पेशल मार्केट है, उस मार्केट में हम जाने वाले हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, फूड मार्केट जाने के लिए हमें जाना होगा दे पिज इज मेट्रो स्टॉप पे, जो कि हमारे होटल से 5 मिनट के ही डिस्टेंस पे है। तो गाइस, हम अब पहुंच चुके हैं मार्केट एरिया में। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरी मार्केट लाइन है, और ये फेमस मार्केट लाइन है, इसका नाम है अल्बर्ट साइप्रस, और इसकी लोकेशन तो मैं मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ पे ना बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं और पूरा स्ट्रीट फूड अवेलेबल होता है। तो हम यहाँ पे काफ़ी सारे डिशेस ट्राई करने वाले हैं, वो भी आपको भी दिखाएंगे। तो चलते हैं और इस एरिया को अभी एक्सप्लोर करते हैं। अभी शुरू हो गई क्या मार्केट? जस्ट शुरू हुई है। हाँ, 9:30 बजे शुरू होती है, वैसे अभी 11 बज रहे हैं। 9:30 से 5 इसका टाइमिंग है। तो सुविनियर शॉप्स वगैरह भी है यहाँ। हमने तो ले ली अभी। तो यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स का मार्केट है, यहाँ ये टी शर्ट्स मिल रही है। अरे भुट्टा, ये देख भुट्टा लटकाया हुआ नकली है क्या वो? भुट्टे विट्टे नकली। तो यहाँ पे ना स्ट्रूप वॉफल का भी स्टॉल है। स्ट्रूप वॉफल यहाँ का नीदरलैंड का खास डेजर्ट है, जो हमने फर्स्ट एपिसोड में ही आपने हमारा देखा होगा, हमने वो ट्राई किया था और हमें बहुत पसंद आया। हमने उसके पैकेट भी लिए हैं, जो कि हम ले जाएंगे वापस ज्यूरिख घर पे। तो हम आगे अभी ये मिठाई की दुकान में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। भी खाने वाला है अभी ये, इसको बोलते क्या है, बट ये क्या है? कैनोली। यहाँ पे कैनोली मिल रही है। हाँ, कृषि को चाहिए है ना कृषि? यस वी आर गिविंग। तो गाइस, ये है हमारी फर्स्ट डिश, डेजर्ट है, इसको बोलते हैं कैनोली। तो ये अभी थोड़ा सा मैंगो फ्लेवर का ही है। ये मैंगो है और ये पिस्ता शो। अभी ये पिस्ता ट्राई करती हूँ मैं। काफी अच्छा लग रहा है, मतलब क्रंची है ऊपर से और अंदर में से क्रीम की फीलिंग, और पिस्ता है ऊपर, पिस्ता फ्लेवर की क्रीम की फीलिंग है। बट मुझे किसी तरह याद आ रही है, गुड़ पापड़ी वगैरह खाते थे बचपन में, उसकी कोटिंग लग रही है ऊपर से। तो कितना रेटिंग दोगे कल्याणी? 8 out of 10। मैं दूंगा, मुझे मैंने मैंगो खाई है तो मैंगो को तो मैं 6 out of 10 दूंगा। मुझे इतनी खास नहीं लगी, ठीक है, नॉट सो गुड। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये है डच के चिकन मीट बॉल्स, इसको करते हैं ट्राई एकदम। हमें आइकिया के जो स्वीडिश मीट बॉल्स होते हैं वो तो बहुत पसंद होते हैं, तो ये चिकन के हैं। तो मीट बॉल्स खा के हो गया हमारा, और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की ओर। ऋषु भी यहाँ बैठा हुआ है, मस्त एकदम। काफी शॉप है, बहुत सारे शॉप्स हैं, बहुत ही ज्यादा शॉप्स हैं। लग रहा है कि अपने आप भी ऐसा होना चाहिए था। हाँ, ज्यूरिख में ऐसा नहीं है। हम ये एक शॉप में आए हैं, वोक इन द सिटी करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ समोसा मिल रहा है। समोसा फिलिंग वाला है, आलू नहीं। हाँ, आलू नहीं है यहाँ पे। बीफ, चिकन, चीज, स्प्रिंग रोल्स, श्रिम्स। और तो हमने स्प्रिंग रोल्स लिए, यस है ना कृषु? काफी बड़ी मार्केट है। फिर से
तो हमारे स्प्रिंग रोल्स अभी आ चुके हैं, मिनी स्प्रिंग रोल्स, मस्त है, छोटे छोटे बाइट साइज, ऐसी पोर्शन होनी चाहिए यार ताकि बहुत सारी चीजें ट्राई कर सके। ये भी फिर भी ज्यादा ही है, आई थिंक 6 पीस है। गरम है क्या? आज कितना खा पाएंगे पता नहीं। हाँ गरम तो बहुत है। बस बेटा सॉस इतना ही चाहिए था। ले लिया। यहाँ पे ना बहुत सारे स्टॉल्स हैं और आगे आते ही यहाँ पे कैनबीज का स्टॉल है। तो एम्स्टर्डम में ना तो ये तो लीगल है पूरा ड्रग्स वगैरह, तो यहाँ आपको नॉर्मल कॉफी शॉप में वगैरह सब ड्रग्स मिलता है। और यहाँ पे तो फ्री सैंपल्स भी रखे हैं। कर ले नहीं सैंपल ले रहे हो क्या? फिर ट्राई कर रहे हो? तो ये यहाँ लॉलीपॉप वगैरह उस फॉर्म में है और वो सब अंदर उसमें। हाँ अरे तो यहाँ तो अलाउड ही है ना, तो ओपनली मतलब मीठे मीठे लगते होंगे और खा लेते क्या? हाँ फिर उसमें और अपने को तो बिल्कुल ही आदत नहीं है ना कुछ भी, अपन अल्कोहल भी नहीं लेते तो ये तो थोड़ा सा भी खाया तो पता नहीं क्या असर हो। क्योंकि अपने बॉडी को बिल्कुल आदत नहीं है ना, अपन अल्कोहल भी नहीं पीते कुछ भी नहीं पीते तो नशे की बिल्कुल आदत नहीं है तो नो नो थैंक यू। अपने बाद में फ्लाइट भी पकड़नी है। और यहाँ पे ना हैश ब्राउनीज वगैरह भी है, उसका भी शॉप है, तो मैंने कल्याणी को बताया नहीं है। कल्याणी ब्राउनी चॉकलेट ब्राउनी कर टेस्ट कर रहा है। करके देखो टेस्ट। वो भी हंस रहा है इसलिए। यहाँ देखो अलग अलग बहुत वैरायटी है, डार्क चॉकलेट की ब्राउनीज है, पर इन सब में वो कैनबीज होंगे। क्यों मतलब? अरे इसमें बहुत स्ट्रांग नहीं रहता, ये माइल्ड रहता है और हो जाता है, मजा भी हो जाता है, जिनको पसंद है वो लोग करते हैं ना। वो ऑब्वियस बात है, यहाँ ब्राउनी वो लॉलीपॉप्स मशरूम्स हाँ मैजिक मशरूम्स आते हैं वो भी। तो इस स्टॉल से हमने ये अब ये लिया है पोटैटो चिप्स, ये थोड़े से अलग लग रहे हैं ना, स्पाइरल पोटैटो बताती हूँ अलग ही क्रिस्पी मसालेदार। इसको कितना रेटिंग दोगे? 10 out of 8 तो नेक्स्ट कहाँ चलने आगे भी? चलो मेरा तो पेट भर गया अभी, ऐसे लग रहा है पेट भर गया। ये ना ये रेटिंग दूंगा इसकी मैं। अच्छा चेंज करनी है रेटिंग? हाँ क्या 5 out of 10 5 out of 10 अरे इतना भी खराब नहीं है यार, इतना भी खराब नहीं है। ये पहले मैंने इंडिया में भी खाया ही है, अपने यहाँ अच्छा लगता मुझे। पाव बंस बट टेस्टी नहीं है। तो हम अभी ये कोरियन डिश ट्राई करने वाले हैं बाव करके, तो मुझे लगता है अपन हाँ कोरियन बाव तो अपन ने ये पुणे में खाया था ना एक बार। पुणे में नया ओपन हुआ था। हाँ बहुत सालों हो गए लेकिन उसके बाद। यस तो ये यहाँ पे है पूरी, यहाँ पे मेनू है और ये बाव बंस। और यहाँ स्ट्रीट फूड में आप देख सकते हो कि समोसा है अपना, और डिस्क्रिप्शन में लिखा भी है कि इंडियन फ्राइड समोसा विद पोटैटो। यहाँ पे दो लड़कियाँ ही है फूड ट्रक चला रही है, काफी बड़ी लाइन है। तो ये है कोरियन बाव डिश, और इसमें स्प्रिंग ऑनियंस है और सॉसेस दिख रहे हैं, सिसमे सीड्स और फ्राइड चिकन टिक्की है, बहुत ही सॉफ्ट बना है एकदम ही। बहुत ही क्रिस्पी है चिकन अंदर एकदम दिख रहा है। टेस्टी फ्रेश लग रहा है।
तो गाइस ढेर सारा खाने के बाद में आइसक्रीम बचा था डेजर्ट में, तो अब आइसक्रीम खाने आए हैं यहाँ पे, क्योंकि उस मार्केट में तो नहीं था। हाँ। ये कौन सा फ्लेवर लिया है? चॉकलेट ज़ियाउट। चॉकलेट ज़ियाउट। हाँ। ओके, कैसा है फिर? अच्छा, मस्त है। चलो कल्याणी की आइसक्रीम फेवरेट। आज तो बहुत वेदर अपना तीनों दिन बहुत मस्त था, चारों दिन कैरेमल्स के भी थोड़े थोड़े अच्छा है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने बहुत सारी यहाँ के खाने की चीजें आपको बताई, रेटिंग में साथ भी दिया कि कैसा है, तो ये भी काफी सही आइसक्रीम। कितना आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 और रेट के भी हिसाब से मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगी। 10 आउट ऑफ 10। हाँ, सही है। तो मिलते हैं ऐसे नई वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।